हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 70+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आपको आपके यहाँ एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन फास्ट चलने का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा फास्ट चलें। और एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा, ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो वीडियो के एंड में अपना स्कोर शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना आंसर क्लिक कर लीजिएगा उस टाइम में, और फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसी तरह ये पूरा वीडियो होगा। अगर पूरा वीडियो बताऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट तो 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 20 मिनट में आई होप ये वीडियो पूरा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, जयपुर व अलवर में किस राजवंश का शासन था? तो यह था कछवाहों का, ठीक है। तो इतना टाइम आपको मिलेगा अपना आंसर क्लिक करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कोटा राज्य के संस्थापक थे माधव सिंह जी, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? फर्स्ट दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य, खानवा का युद्ध बाबर और उदय सिंह के मध्य, जो ये हल्दीघाटी का युद्ध है अकबर और उदय सिंह के मध्य, और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर 4th, ये आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखा है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1st, 1615 ईस्वी में। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम यानी जहांगीर से किया था, तो ये कौन थे? ये थे मोटा राजा उदय सिंह, 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के लिए जयपुर और जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था, ये किन की पुत्री थी? तो ये पुत्री थी महाराणा भीम सिंह की, 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? तो ये किया था उन्होंने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध है? तो रूपमंडन का संबंध किससे है? तो रूपमंडन का संबंध है मूर्तिकला से, 4th नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? मतलब ये उपाधि किसकी थी? तो ये थी महाराणा कुंभा की, 2nd नंबर यहाँ पर सही है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की 20वीं प्रतिज्ञा किन्होंने की थी? तो ये की थी रावचुंडा ने, ठीक है, 4th नंबर यहाँ पर सही है। हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? ये क्वेश्चन कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो हवा महल का निर्माण करवाया गया था 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने व कब स्थापित की थी? तो झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत स्थापित की थी झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में, 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे गोविंदराज, 2nd नंबर यहाँ पर सही है। महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये बैठे थे 1433 ईस्वी में, 2nd यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, 4th नंबर यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है, चांपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो चांपानेर की संधि हुई थी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य। कब हुई थी ये मैं आपको बता देता हूँ, 1456 ईस्वी में। जैसलमेर के भाटी राजवंशों का राजवंश का
राजपूतों की किस शाखा से संबंध रहा है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की यादव शाखा से संबंध रहा है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लेना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है, स्वेच्छापूर्ण अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? तो ये थे कछवाहा। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से लाई गई मूर्तियों में कौन सी नहीं है? तो ये है जाग बाबा की मूर्ति भरतपुर। ठीक है, बाकी ये जो तीनों मूर्तियां हैं, मथुरा जी की मूर्ति कोटा, द्वारिकाधीश मूर्ति कांकरोली और मदन मोहन जी की जो मूर्ति है करौली, ये तीनों के तीनों वृंदावन से राजस्थान लाई गई हैं। इनका आप ध्यान रखें। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा कुंभा को। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था इन्होंने मैग्नीज दुर में। ठीक है, जो कि अजमेर में स्थित हैं। बाकी यहाँ पर जो ये दे रखे हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में। लोहागढ़ है भरतपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो जो यहाँ पर फोर्थ नंबर दे रखा है कला मंडन, ये इनका नहीं है मंडन का। बाकी जो ये तीन दे रखे हैं, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, ये तीनों शिल्प शास्त्री मंडन के लिखित ग्रंथ हैं। किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, महाराजा महाराणा राय सिंह फर्स्ट। आगे दे रखा है, पन्नाधाय व दुर्गादास के जीवन से हमें जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है? तो वह है देश के लिए बलिदान की। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 ईस्वी में। सेकेंड हुआ था इसमें 92 में। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह अभिलेख कौन सा है? वह अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख। कहाँ से मिला है? तो भीलवाड़ा से मिला है। और कब का है? तो 1170 ईस्वी का है। ये डेट भी आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? तो यहाँ पर सही आंसर है इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अबुल फजल ने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोगुंदा में। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? तो एक राजा के साथ जो दूसरे राजा का पत्र व्यवहार होता था उसको कहा जाता था खरीता। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है, डूंडाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो डूंडाड़ नामक राज्य की स्थापना की गई थी कछवाहा वंश के राजाओं के द्वारा। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जहाज, ठीक है, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जयपुर। आगे दे रखा है, अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अलवर के संस्थापक थे राव प्रताप सिंह। अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर फिर सही है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप जरूर ध्यान रखें। इसका सही आंसर बताएं तो इसका सही आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ था भारतीय इतिहास में। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। शासकों की यशो गाथा वाले शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है प्रशस्ति। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही है। जैसलमेर शहर की स्थापना वर्ष है? तो जैसलमेर शहर की स्थापना वर्ष है 1155 ईस्वी। राठौड़ वंश का शासन राजस्थान में जिस भाग में था वह है? तो राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के मारवाड़ भाग में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री यहां पर सही है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का
निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया था उन्होंने महमूद खिलजी के विरुद्ध विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में। सेकंड नंबर यहां पर सही है। कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्तिकला से संबंधित है? तो मूर्तिकला से संबंधित है रूपमंडन। सेकंड नंबर यहां पर सही है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का जो नायक है ढोला, वो कहाँ के राजा थे? तो जो ये ढोला है वो राजा थे घाघरौन के। सेकंड नंबर यहाँ पर सही है। हाडा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनकी सबसे पहली राजधानी थी बूंदी। फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1303 ईस्वी में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही है। राजस्थान में गैटोर की क्षत्रिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो 46 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कछवा राजवंश से संबंधित है। राजमहल स्थान पर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1747 ईस्वी में। अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? तो ये थे अबुल फजल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां पर सही है। आगे दे रखा है हाड़ी रानी का जो नाम है वो किन से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जुड़ा हुआ है सरदार चुंडावत से। ठीक है, सेकंड नंबर यहां पर सही आंसर है। खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था घाघरौन। थर्ड नंबर यहां पर सही है। लालगढ़ जो पैलेस है बीकानेर में का निर्माण किसने करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। 51 का फर्स्ट आंसर सही है। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गंगा सिंह को। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर है। इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से विख्यात है, तो ये कौन है? ये है मालदेव सोनगरा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। चित्तौड़ के द्वितीय साके कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। मैं राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तौड़ के द्वितीय साके में राजपूतों का नेतृत्व किया था रावत बाघ सिंह ने। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ था? चौहानों का हुआ था, सोलंकियों और परमारों का भी हुआ था, और तो पीछे बच गया थर्ड नंबर ऑप्शन, तो यही ऐसा ही आंसर है राठौड़ों का। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर दे रखी है प्रशस्ति और यहाँ पर दे रखे हैं शासक। तो देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा सही है, जूनागढ़ प्रशस्ति महाराजा राय सिंह, जगन्नाथ प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह और बिजोलिया शिलालेख चौहान वंश। ठीक है, तो फर्स्ट का ए और यहाँ पर भी ए है, फिर सेकंड का हो रहा है सी, यहाँ पर सेकंड का बी दे रखा है, यहाँ पर सेकंड का सी सही है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर आगे देखते हैं चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चौहान वंश के प्रथम शासक थे वासुदेव। ठीक है, तो 58 नंबर का फोर्थ आंसर सही है। महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर आगे देखते हैं कौन सा कथन असत्य है? वीडियो को पॉज करके आप इनका आंसर लगाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4th यहाँ पर असत्य है, बाकी तीनों के तीनों सत्य हैं। तो इन तीनों डेट्स का आप जरूर ध्यान रखें, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, देहांत कब हुआ था और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य कहा था शेरशाह सूरी ने। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो ये कौन थे? ये थे सोमदेव। ठीक है, जनार्दन, चंद्रवर्दई और जयनक, ये तीनों के तीनों पृथ्वीराज चौहान के
दरबारी विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट दे रखे हैं, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किनका शासन था, तो दिल्ली पर शासन था सिकंदर लोधी का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है पद्मिनी किसकी पुत्री थी, तो पद्मिनी पुत्री थी सिहल द्वीप के नरेश गंधर्व सेन की। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा प्रारंभ अधीनस्थ सहयोग संधि की थी, तो ये किसने की थी, ये की थी करौली ने। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था, तो ये बहादुर शाह ने रखा था आमेर का। थर्ड नंबर यहाँ पर सही आंसर है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था चौहानों और तुर्कों के मध्य। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, तो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे राव जेता। थर्ड नंबर यहाँ पर सही है। फिर आगे दे रखा है निम्नांकित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी, तो किन्हें की गई थी, ये की गई थी बप्पा को, ठीक है बप्पा रावल। और लास्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर दे रखे है शिलालेख और स्तंभ लेख, और यहाँ पर दे रखे है वर्ष, कीर्ति स्तंभ, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, दिलवाड़ा के जो दिलवाड़ा का शिलालेख है और बिजोलिया का शिलालेख। तो यहाँ पर आपके नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। कीर्ति स्तंभ लेख लिखा गया था, ठीक है वर्ष है 1460 ईस्वी, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी, दिलवाड़ा का जो शिलालेख है वह है 1334 ईस्वी, और बिजोलिया का जो शिलालेख है वह है 1170 ईस्वी। तो यहाँ पर फर्स्ट का होगा डी, फिर सी, डी सी बी और ए, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगभग जो 18 से 19 मिनट में ये 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अब आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मतलब इस वीडियो का मतलब यही मेरा उद्देश्य था कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज करवा जाए। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम यहाँ से जरूर बनेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपके एग्जाम्स के बारे में बात करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 150, तो उसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का, ठीक है 3 आवर का। अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो मिलते हैं 2 आवर का। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 70, और वो भी 18 से 20 मिनट में, ठीक है। तो कम समय में मैं आपको इतना रिविजन करवा रहा हूँ, तो बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी अधिक बेनिफिट मिल सके। मेरा यही उद्देश्य है कि आपका आपके एग्ज़ाम तक जितना सिलेबस हो सकता है मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली आपके जो पेपर में हैं काफ़ी अधिक क्वेश्चंस आपके हमारे वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।